हेलो दोस्तों, मैं पारुल त्यागी, आपका स्वागत है लविंग गार्डन पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बरसात के मौसम में आपको अपने प्लांट्स का कैसे ध्यान रखना चाहिए बरसात के बाद। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट्स कभी ख़राब नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बरसात ख़त्म होने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको ये अपनी ये पे आप देख रहे हैं, आपको अपने प्लांट्स की जड़ों में मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। ये देखिए, जैसे मैंने गुड़ाई की हुई है, आपको सभी प्लांट्स की मिट्टी हैं जो सभी की अपने सभी गमलों की मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। और सबसे फिर दूसरी बात यह है कि आपको इसमें दीमक, मिट्टी में जो दीमक लगती है, आपको दीमक के लिए दवाई डालनी है ताकि दीमक ना लगे मिट्टी में, क्योंकि बरसात के बाद अक्सर दीमक लगी जाती है मिट्टी में, इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरी बात मैं आपको बताऊंगी कि बरसात में जो हमारे ये गुड़हल और ये गुलाब, इनके सबसे ज़्यादा जो हिबिस्कस का अटैक होता है, उसके लिए हमें इन पे स्प्रे कर देनी चाहिए। स्प्रे करने से क्या होगा, आपके प्लांट्स मरेंगे नहीं, आपके प्लांट्स की अच्छे से ग्रोथ बनी रहेगी। हिबिस्कस के प्लांट पे सबसे ज़्यादा ये मिलीबग्स का सबसे ज़्यादा अटैक होता है, तो आपको इन पर स्प्रे कर देनी है टाइम टाइम पे। और फिर ये आप दो दिन की धूप लगने के बाद पेड़ पर दो दिन की धूप लगने के बाद आप उसमें अपना कोई भी खाद डाल दें, ताकि आपके ये प्लांट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो बरसात की वजह से। अगर आप इसमें फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो आपके प्लांट्स को बरसात की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद चौथी बात मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बरसात में ये आप देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे से ये उग जाते हैं, ये एक्स्ट्रा जो होते हैं, आपको इन्हें निकाल देना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आप जो खाद डालते हैं इसमें अपने प्लांट्स में, ये सबसे ज़्यादा खाद ले लेते हैं, इसलिए हमें इन्हें निकाल देना चाहिए। जो एक्स्ट्रा हो आप वो सब निकाल दीजिए, और जो सूख गई हो, ये आपकी स्टेम वगैरह जो सूख गया हो एक्स्ट्रा, वो भी आपको निकाल देना है। बरसात में आपको एक्स्ट्रा ये अपने प्लांट्स की ना कुछ एक्स्ट्रा केयर करनी होती है, ताकि प्लांट्स ख़राब ना हो बरसात की वजह से। इसलिए धूप में आपको ये सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी बात यही है कि इनमें खाद डालिए, मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए, और स्प्रे करिए, दवाई की मिलीबग्स के लिए दवाई की स्प्रे करिए, ताकि आपके प्लांट्स ख़राब ना हो। और अपने गार्डन की अच्छे से साफ़ सफाई कीजिए, और जो भी ये सूखी स्टेम है या कुछ भी है, इन्हें सबको आप हटा दीजिए। मैंने तो सबकी कटिंग की हुई है, ये देखिए। और दोस्तों, आपको एक काम ये करना है कि अगर आपके किसी पॉट में पानी भर जाए तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे अपने ये पॉट को ऐसे लुढ़का के ऐसे रख दीजिए, उसमें से क्या होगा, जो भी आपका एक्स्ट्रा पानी होगा वो सब निकल जाएगा। वैसे तो नीचे से भी निकल ही जाता है एक्स्ट्रा पानी, अगर बाई चांस नीचे से ना निकले तो आपको ऐसे लुढ़का के रख देना है, ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए ऐसे, और तब अच्छे से ये सारा, आपको लगे कि सारा पानी निकल गया है, तो आप अच्छे से पॉट कर दीजिए अपना सीधा। इससे क्या होगा, अगर जड़ों में पानी रुक जाएगा तो ये प्लांट्स की जड़ें गलने लग जाएंगी। ये आपको ये सब करना है,
आप मेरे टिप्स फॉलो कीजिए, आप देखिए देखना आपके प्लांट्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अपने प्लांट्स पर अच्छे से दवाई की स्प्रे करते रहिए, मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए। फिर से मैंने आपको फिर से एक बार रिपीट किया है अपनी बात, ये देखिए दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी काम आपको करना है बरसात होने के बाद। बरसात होने क्योंकि बरसात में सबसे ज़्यादा फंगस लगने के कारण आपके प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। फंगस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बरसात में, फंगस के कारण हमारे प्लांट्स मरने लग जाते हैं। ये लीव्स जो होती हैं इनकी, ये ब्लैक होने लग जाती हैं। इसलिए आपको अपने प्लांट्स की अच्छे से केयर करनी होती है। देखिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मैंने आपको कुछ टिप्स बताए हैं, आप इन्हें फॉलो करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, आपके प्लांट्स को कुछ नहीं होगा, आपका बगीचा अच्छे से हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छे लगे हों तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।